गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारे साथ चटनी, लाल चटनी, वाइट चटनी, सांभर एंड इडली। मुझे याद आया कि हमें बनानी है ये वीडियो थी। चार इडली मेरे पास, दो खाने के बाद मुझे याद आया कि ये बनानी है मुझे वीडियो, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट इसको शेयर करने के लिए मुझे चाहिए एक दिन, तो आपको वो रेसिपी जरूरी मिलेगी। तब तक ये देखिए, इडली, वाइट चटनी, रेड चटनी, सांभर, और बिलीव मी गाइस, वेरी वेरी टेस्टी। आप देखेंगे इसको बनाते हुए तो और भी आपको टेस्ट आएगा। घर पे बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, तो 15 मिनट में आपको 15 इडली मिल सकती हैं। कैसे? आपको बस सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल और उसके बाद लाइक एंड शेयर करिए और आपको मिलेगी एक रेसिपी बहुत ही फर्स्ट क्लास। तो गाइस, अभी हम स्टार्ट करेंगे सांभर की रेसिपी। सांभर के लिए सबसे पहले हमें लेनी 2 कटोरी दाल, और ये है हमारी सब्जी गाजर, और ये कद्दू गाजर के साथ में है प्याज। इसमें हम और सब्जी भी डाल सकते हैं, लौकी और जो भी आप जो आपके घर में सब लोग खाते हो टेस्ट के हिसाब से। और इसको हमने धोना है 2 कटोरी दाल लेके, और ये अराउंड 400 ग्राम की दाल है जो 10 से 12 लोगों के लिए सांभर हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम पानी, एक बार धोने के बाद दोबारा से इसमें पानी डालेंगे और इसको हम गैस पे सब चीज़ें मिक्स करके इसको बॉईल करेंगे। ये सांभर की रेसिपी है। इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, नमक के साथ में डालेंगे हल्दी, प्याज जो हम बाद में यूज करेंगे वो भी थोड़ा सा बाद में जो थोड़ा फ्राई करके इसको तड़के के लिए बाद में डालेंगे। तो अभी हम इसको पैक करके गैस पे चढ़ाएंगे और इसको जस्ट लाइक दाल जैसे हम बनाते हैं वैसे इसको बॉईल करेंगे। तो इसमें आपके आपको जितना भी गैस हो, जितना आपको लगता हो कि एक बनाने में टाइम लगता है दाल को, उस हिसाब से इसका टाइम लेंगे। साथ में हमने स्टार्ट किया है लाल चटनी जो बोलते हैं हम, टमाटो की चटनी विथ सांभर और इडली डोसे के साथ जो होती है, विथ नारियल चटनी के साथ जो रेड चटनी होती है। इसके लिए हमने तेल को चढ़ाया है थोड़ा सा, और ये है चटनी की सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता, लहसुन और प्याज। प्याज हम यूज़ करेंगे तड़के के लिए और सांभर के लिए, और ये चीज़ें हमारी लहसुन, प्याज और टमाटर, ये हमारी चटनी के लिए रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने तेल गर्म किया है और इसमें हम डालेंगे तुअर की दाल। बाय मिस्टेक तुअर की दाल नहीं है, ये चने की दाल है। हम इसको चने की दाल को डालेंगे इसमें तेल के अंदर। आप देख सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से हमें 100 ग्राम, 200 से 150 ग्राम डालनी है दाल। ये दाल की रेसिपी है गाइस, लाल जो दाल बनाएंगे हम, तो ये दाल को तो ये बन रही है हमारी रेड चटनी जो बहुत कम जगह पे सर्व होती है। और कड़ी पत्ता डाला हमने दाल में और साथ में प्याज, लहसुन के ये थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जो असली टेस्ट आता है डोसे में या फिर इडली के साथ वो ये लाल चटनी ही होती है जो हर जगह सर्व नहीं होती है। आपने हर जगह वाइट चटनी देखी होगी नारियल से या मूंगफली से बनी हुई, बट ये जो चटनी है यही ज़्यादा टेस्ट देती है आपके इडली डोसे के साथ जब सर्व करते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे जिससे ये फ्राई हो जाएगा थोड़ा हल्का। नमक स्वाद के हिसाब से, साथ में थोड़ा सा हल्दी, और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए डाल देंगे जिससे थोड़ा बॉइल हो जाए और फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। तो हमने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया, थोड़ी देर इसको कवर करके रख देंगे जिससे कि ये अच्छे तरीके से बॉइल हो जाए 5 से 10 मिनट। इधर हमारा सांभर ऑलरेडी दाल स्टार्ट हो चुकी है बॉइल करने के लिए। तो ये बॉईल हो चुकी है, देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया हर चीज़, और ये अभी तैयार है थोड़ा सा 5-10 मिनट।
बस इसको हमें फिर पीसना पड़ेगा मिक्सी में। आपको बस देखना है कि सब घुलना चाहिए, अच्छी तरीके से घुल जाएगा और मिक्स हो जाएगा आपस में। उसके बाद फिर इसको हम मैश करेंगे मिक्सी के अंदर। तो ये अभी देख सकते हो आप तैयार है पीसने के लिए। अब इसको ठंडा करना है, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो गाइज ये है हमारी तैयार वाइट चटनी जो बनेगी सांभर चटनी, सांभर के साथ में। ये रेड चटनी का ऑलरेडी तैयार है, ये वाइट चटनी जो बनेगी उसमें हमारा कड़ी पत्ता, चने, चना यूज़ कर सकते हैं, चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं अगर चने ना हो, साथ में दही और ये नारियल, और ये बाद में तड़का लगाने के लिए लाल मिर्च। ये आपको पीछे निकालना पड़ेगा इसका जो ब्लैक कलर का है, छीलना पड़ेगा इसको। अगर आपके पास नारियल ना हो तो आप मूंगफली यूज़ कर सकते हैं, और अगर चने ना हो तो आप उसको चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अगर बेसिकली हमारा नारियल यूज़ होता है, बट अगर इसके जगह पे हमारा अल्टरनेट मूंगफली है, छिली मूंगफली, और चने की जगह पे चने की दाल यूज़ है, दही है और कड़ी पत्ता स्वाद के लिए, और ये बाद में फ्राई करने के लिए सूखी मिर्च। ये हमने नारियल को पीछे से छील के उसको हमने पीसेस कर लिए। तो हमें छीलना है इसमें नारियल को, इसमें छिला हुआ नारियल इसमें डालेंगे मिक्सी के अंदर। डालेंगे चना, दही, कड़ी पत्ता, और समझ थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से। थोड़ा पानी डालते रहेंगे जिससे कि ये ड्राईनेस कम हो जाए। तो हमारी ये हो चुकी है वाइट चटनी तैयार, और आप देख सकते हैं ये बारीक पीस चुकी है। एक बार दिखाना इसको थोड़ा हिला के। तो ये आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा जब तक ये तो आपको लगे ना कि इतना बारीक हो चुका है खाने लायक। और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेड चटनी, जो हमारा ऑलरेडी ठंडा हो चुका है मसाला, इसको हमने इसमें डाला एज इट इज। और इसमें अब दोबारा से इसको हम आई थिंक इसमें नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो अगर नहीं डाला है आपने पहले तो इसमें डाल के अभी भी कर सकते हैं इसको मैश। आप देख सकते हैं हमारी लाल चटनी हो चुकी है तैयार, तो इसका भी हम अलग साइड में निकालते रहेंगे। ये दो तीन बार में रिपीट होगा जितना सामान हमारा है, इसको पूरा मैश करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और ये हमारी रेड चटनी जो मेन इसका कोर्स ऑफ होता है कि आपको सर्व करने के टाइम पे जो इसका स्वाद लगता है वाइट चटनी के साथ, वो इसको काफ़ी अच्छा बना देता है, कॉम्बिनेशन सांभर वाइट चटनी प्लस रेड टमाटो चटनी। तो ये हर जगह सर्व नहीं होती है, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो। यूँ भी जो सांभर के लिए हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाल के स्टार्ट कर दिया है, इसको गर्म करना है इसका। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सरसों के साथ कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सूखी मिर्च, और जो हमने पहले प्याज काटा हुआ था ये थोड़ा सा प्याज, ये तड़के के लिए यूज़ करेंगे हम सांभर में। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है सांभर। आप देख सकते हैं अभी वाइट कलर का है प्याज, थोड़ा जब तक भूनना है तब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए ब्राउन में, और उसके बाद ही हम इसमें सांभर जो हमने तैयार किया हुआ अलग उसको उसमें मिक्स करेंगे। तो अभी ऑलरेडी इसका थोड़ा सा फ्राई होने का टाइम है, दो चार मिनट में फ्राई हो जाएगा। इसमें हमने डाला है कड़ाई पत्ता के साथ थोड़ा सा राई डाली है, राई के साथ में और प्याज डाला है, और कड़ी पत्ता ही मेन जो होता है इसमें, जो आपकी फ्रेग्रेंस आती है कड़ी पत्ता आपका अच्छे क्वालिटी का होगा तो बेस्ट रहेगा। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है सांभर तैयार, दाल जो सांभर के लिए हमने चढ़ाई हुई थी। अब ये जो हमने इसका जो फ्राई के लिए डाला हुआ है इसमें हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर होती है इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। मार्केट में बहुत तरह के सांभर मसाले आते हैं, तो आप देख लीजिएगा जिसमें सबसे अच्छा टेस्ट आए। आशीर्वाद का हम लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा स्वाद आता है इसमें, तो हम यूज़ करेंगे सांभर मसाला आशीर्वाद का।
सांभर मसाला जो हम डालेंगे वो अराउंड 2 स्पून डालेंगे, टीस्पून, डिपेंड ऑन कि आपका कितना सांभर बन रहा है तो आप अंदाजे से डाल सकते हैं। अगर आपने पहले बनाया नहीं है तो आप अराउंड 2 स्पून के करीब हमने थोड़ा सा इसको बनाएंगे। सांभर है तैयार, आप नमक ऑलरेडी आप इसमें डाल चुके हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में वाइट चटनी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, यू कैन सी, और साथ में हमारा रेड चटनी। सांभर का आपको डेंसिटी आप बोलेंगे कि गाढ़ापन आपके स्वाद के हिसाब से रख सकते हैं। अभी ये दिख रहा है कि ये काफ़ी गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे, जिससे कि डिपेंड कि आप कितना स्वाद लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को सांभर पतला पसंद होता है, किसी को थोड़ा गाढ़ा, क्योंकि जितना अब ये ठंडा होगा तो वैसे भी इसमें डेंसिटी बढ़ जाती है तो गाढ़ापन अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा आप हमेशा कोशिश करिए गर्म में जब हो सांभर तो इसको थोड़ा सा हल्का सा पतला ही रखिए। इसमें खट्टापन लाने के लिए हम इसमें इमली डाल सकते हैं, इमली नहीं हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, आधे से एक नींबू आप इसमें निचोड़ सकते हैं खट्टापन के लिए। तो इमली नहीं है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह ये बॉईल हो चुका है, यू कैन सी कि इसमें उबाल आ चुका है, तो एक तरह से हमारा तैयार है। अगर आप इसमें थोड़ा स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे अगर इमली नहीं है तो, साथ में अगर आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और आपको मसाला मिलाना हो सांभर का, आप जितना इसको गाढ़ा बनाना चाहते हैं और थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से इसमें और मसाला मिला सकते हैं सांभर का। तो ये हमारा सांभर तैयार हो चुका है। वैसे ये है हमारा राइस इडली का कुकर, तो इसमें हम पानी डालते हैं थोड़ा सा नीचे स्टीम के लिए, और इसमें एक बार में कितने हैं, इसमें कितने बन जाती हैं एक बार में, 5 की 1 प्लेट है 15. तो 3 प्लेट्स के हिसाब से 15 एक बार में इडली बन जाती हैं। तो यू कैन सी कि 3 लेयर्स हैं और आप देख सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं खमीर जो उठ गया है, तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ तक था, तो ये अगर आप छोड़ देंगे इसको 10 से 12 घंटे के लिए, गर्मियों में जल्दी हो जाता है बट सर्दियों में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, 10 से 12, हमने एक दिन के लिए पूरा छोड़ा है 15 से 20 घंटे, तो यू कैन सी कि ये जस्ट डबल हो जाता है। उसके बाद हमने ये प्लेट्स निकाली हुई हैं और साथ में हमने पानी चढ़ा दिया इसमें ऑलरेडी डाल के, तो इसको हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे कि चिपके नहीं इसके अंदर, हल्का सा। ऑयल लगाना ज़रूरी है जिससे कि आपके इडली इसके अंदर चिपके नहीं, नहीं तो फिर बाद में आपको उसका शेप बिगड़ जाएगा, आपको निकालने में दिक्कत होगी। टोटल 5, 4, 3, 3 ये टोटल हमारे 15 इडली बन जाती हैं एक बार में। यहाँ पर हमने चढ़ाया हुआ है इसको जिससे कि इसके अंदर हम चौक लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको मैश करना है एक बार बिफोर फिलिंग इट। थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि ये थोड़ा जब आपके स्टीम होगी तो इसके डेंसिटी बढ़ती है तो साइज अपना आप इसका फूल जाएगा, तो आपको जब पूरा फिल नहीं करना है थोड़ा हल्का सा खाली रखना है। पानी आप देखिए जैसे बॉयल स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसके नीचे हम ये प्लेट लगाएंगे जिससे कि स्टीम केवल बाहर आएगी ऊपर, उसके बाद प्लेट्स को फिर अरेंज करेंगे। सबसे आपका जो अरेंजमेंट होता है प्लेट्स का, जो पहली सबसे छोटी प्लेट आएगी जिसके ऊपर सपोर्ट है, फिर इसके ऊपर ये ऐसा सेट करना पड़ेगा।
हो गया हमारा सेट। स्टीम ऑलरेडी इसमें काम करेगी अपना, बॉइल इसको बॉइल करेगी नीचे से। तो और ये हो गया, ये जो पूरा तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमारी 15 से 15 इडली बन रही है, इसके जो इसका साइज है उसके हिसाब से। और मैक्सिमम 10 से 12 मिनट इसको हम रखेंगे, तो आपकी ये 15 इडली तैयार हो जाएंगी। और ये ऑलरेडी हमारा तैयार है, और यहाँ पर हम इसको तड़का लगाएंगे इसके अंदर चटनी के लिए, जो हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। सूखी मिर्च है, सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, राई, और अब स्टार्ट करेंगे इसको फिर चटनी का जो तड़का होता है। मेन जो स्वाद आता है आपको देखेंगे, ये जो हम तड़का लगाते हैं कड़ी पत्ता, मिर्च, राई, सरसों ही बोलते हैं इसको, इसी का है मेन स्वाद जो आता है बाद में हमारा। ये हो चुकी है हमारी तैयार दोनों चटनी, आप देख सकते हैं, देखने से पता चल रहा है कितना स्वादिष्ट होंगी दोनों। क्योंकि मेन चीज जो आपका वो फ्रेग्रेंस आपको तो नहीं आ पाएगी, बट मैं बता सकता हूँ कि जो इसकी कड़े पत्ते की जो फ्रेग्रेंस होती है वो इसको काफ़ी टेस्टी बनाती है। बाय लुक आल्सो, बाय यू कैन सी फील इट, विदाउट टेस्ट के हिसाब से भी आप बहुत अच्छा दिखता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन हमारे तैयार हो चुके हैं, और हमारा तीसरा है ऑलरेडी, इडली ऑलरेडी जल चल चुकी है, ऑलरेडी 2 से 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगी। और हमारा सांभर ऑलरेडी तैयार है, तो ये हमारा सांभर भी तैयार है। तो ये रेसिपी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 99% तैयार है, बस सर्व करना है 10 से 15 मिनट बाद। आपको चेक करना हो कि इडली पूरी तरह से हमारा सर्व करने के लिए तैयार है कि नहीं, तो ऐसे चेक करेंगे कि ये जो थोड़ा सा तेल लगा के तो आप देखेंगे कि अगर ये चिपकेगी नहीं और ये प्रॉपरली बाहर निकल रहा है, और इसमें हमने थोड़ा सा तेल लगाया और ये आप देखेंगे ये पूरा प्रॉपरली निकल पा रही है आप किसी भी इडली में थोड़ा सा। तो ये प्रॉपर इसका पेस्ट जम चुका है या इडली पूरी तरह से तैयार हो गई है, तो ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसको निकालेंगे प्लेट्स को, पानी आप मैक्सिमम 1 से 1.5 गिलास ही डाल सकते हैं इसमें, नीचे ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी 15 इडली तैयार है। आप देख सकते हैं हमने पेस्ट थोड़ा कम ही रखा था, तो ये अपना आप ही फूल ले जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंड करता है अपना साइज को। और इसको निकालने का तरीका भी है, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के, और जिससे कि इस एजेस के खराब ना हो, इसको निकालने का तरीका भी स्पेशल है। ये जस्ट लाइक दिस साइज आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आता है अगर आप इसको निकालने का तरीका जान जाएंगे तो बड़ा इजी है। एक बार तेल लगाया उसके बाद चिपकेगी नहीं, आपने ऑलरेडी इसमें तेल अप्लाई किया हुआ था। यू कैन सी कि काफ़ी अच्छी इडली बनी है, स्पंजेस हैं और काफ़ी फूली हुई है, और काफ़ी आपको लगेगा सॉफ्ट है। तो ये इडली का बनाने का तरीका है कि आपको जितनी इडली आपके सॉलिड ना होकर स्पंजी होगी, थोड़ी सी फूली हुई इडली होगी, उतने उसमें अच्छा टेस्ट आएगा। ये सब डिपेंड करता है आपने कितनी देर उसको छोड़ा हुआ है उसका आफ्टर जो मिक्सी में पीसने के बाद। तो ये इडली तैयार हो चुकी है, उसके बाद हमने
इसको कितनी देर छोड़ा है, इसके बाद कितना उसमें। तो गाइस इडली है हमारी तैयार, कि ये आप क्वालिटी उसकी पता चलती है कि आप कितनी अच्छी तरह से फूली है। किसी की आप तो स्मेल नहीं कर पाएंगे, पर मैं बता सकता हूँ ये बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है, इडली हो गई है। और ये हमारा है सांभर तैयार, साथ में है हमारी वाइट चटनी और ये है रेड चटनी, जो बहुत ही टेस्ट बनाती है इस डिश को। और जब आप इसके साथ इडली को इस तरीके से खाते हैं तो बिलीव मी गाइस टेस्ट आता है कि आप बाहर की चीज़ें भूल जाते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, बट यस आप इसको ज़्यादा ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छी इडली बनी है। टेस्ट में आई एम श्योर 100% कि जितनी जितनी अच्छी है उससे डबल अच्छी होगी। तो आप इसको एक बार घर पर जरूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स करके